रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो। मैं किरण कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, डोरंडा महाविद्यालय रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से राम की शक्ति पूजा का काव्य सौंदर्य विषय पर बात करना चाहती हूँ। निराला की यह कविता MA हिंदी सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। शक्ति पूजा काव्य कला की दृष्टि से भी एक प्रौढ़ रचना है। निराला ने शक्ति पूजा में विराट, उदात्त एवं महान भावों की अभिव्यक्ति की है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से यह कविता अन्यतम है। राम का चरित्र ही इतना दिव्य है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, जैसी पंक्तियों में इसी दिव्यता की ओर संकेत किया गया है। निराला के समर्थ हाथों में आकर यह विषय एक ऊंचे धरातल पर स्थित हो गया। कल्पना और मूर्ति विधान का ऐसा सम्मिलन अन्यत्र सुलभ नहीं है। निराला की कला का उत्कर्ष भी यहाँ अपनी पराकाष्ठा पर दिखाई देता है। भावों का आरोह अवरोह शक्ति पूजा की सर्वप्रथम विशेषता है, जिसमें पाठक डूबता उतराता अंत तक पहुँचता है। कवि द्वारा व्यंजित भावनाओं के साथ पाठक पूर्ण रूपेण रागात्मक सामंजस्य स्थापित कर लेता है। सांधे गगन में लोहित लेख लिखकर सूर्य डूब जाता है, राम और रावण का युद्ध अनिर्णीत रह जाता है। सारा वातावरण उदास सा है, वानर खिन्न हैं, उदास हैं, लक्ष्मण चिंतित हैं, सारी सेना शिविर की ओर ऐसे लौट रही है जैसे अस्थावीर दल हो। इस वातावरण को चित्रित करने में कवि ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। प्रशमित है वातावरण, केवल तीन शब्दों से ही संध्या की उदासी और वातावरण की उदासी को व्यंजित किया गया है। प्रकृति के कोमल और भयंकर दोनों रूपों का चित्रण शक्ति पूजा में हुआ है। इतना ही नहीं, वातावरण की भयंकरता को और अधिक गहराई देने में कवि ने अमानिशा का वर्णन, कोई भूधर जो ध्यानमग्न केवल जलती मशाल जैसी पंक्तियों द्वारा अधिक संश्लिष्ट बना दिया है। निशी हुई विगत नव के ललाट पर प्रथम किरण जैसी संक्षिप्त शब्दावली में निशा के व्यतीत होने और आकाश के ललाट पर भोर की प्रथम किरणों का उगना बड़ा मार्मिक और सौंदर्य प्रधान चित्र है। छोटे से शब्दों से इतना सौंदर्य चित्रित करना निराला का ही काम था। अन्य छायावादी कवियों की भांति निराला में अतिशय भावुकता नहीं है। शक्ति पूजा में भी यही बात देखी जा सकती है। राम का हृदय उद्वेलन गिने चुने शब्दों से व्यक्त किया गया है। उनके नेत्रों से दो अश्रु बिंदु भी लुढ़क पड़ते हैं, पर संकट के क्षणों में भी उन्होंने अपनी व्यथा को बहने नहीं दिया है। वह सीमा में बंधी हुई है। राम केवल इतना ही कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के जिगजल। वस्तुतः शक्ति पूजा की सबसे बड़ी विशेषता भाव पक्ष की दृष्टि से राम का मानवीय रूप है। वे बड़े दृढ़ निश्चयी हैं। हाँ, वे परिस्थितियों के घात प्रतिघात से विचलित तो होते हैं, पर उनसे जूझते हुए अंत में विजयश्री का वर्णन करते हैं। निराला का व्यक्तित्व भी स्वयं इसी प्रकार का रहा है। वे प्रतिरोध शक्ति से सदैव जूझते रहे थे और उन्होंने उस संघर्ष को इस कविता में राम के आख्यान से व्यक्त किया है। वस्तुतः उन्होंने अपने जीवन की निराशा, दीनता, हार और हार पर विजय को इस कविता में चित्रित किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, आकाश और समुद्र के सम्मिलित गर्जन से राम का व्यक्तित्व जैसे खो जाता है। यह क्रियाशील तमोगुण जीवन की परिस्थितियां हैं जिन्हें परास्त करने के लिए राम साधनों की खोज करते रहे हैं। राम साधना करते हैं। यह साधना और भी महत्वपूर्ण हो उठती है जब हम उस चित्र का स्मरण करते हैं जहां राम समुद्र के किनारे अकेले बैठे हैं। सिर पर एक मशाल का जलना और भूधर का ध्यान मग्न होना
राम के व्यक्तित्व को प्रकाश में ले आते हैं। निराला से विजय ने कम ही अपना संबंध स्थापित किया था, इसलिए राम को भी विजय बड़े संघर्षों के बाद मिलती है। निराला संघर्षों के चित्रण में बड़े खड़े उतरे हैं। रस योजना की दृष्टि से आलोच्य काव्य में श्रृंगार, वीर और शांत तीनों रसों की त्रिवेणी लहराती हुई दिखती है। वीर रस इस कविता का प्रधान रस है। वीर रसानुरूप वातावरण भी शक्ति पूजा में दर्शनीय है। अवसाद और निराशा के क्षणों में राम को सीता की स्मृति श्रृंगारी भावनाओं की ओर ले जाती है। कवि कहता है, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नवजीवन परिचय तरुमलय वलय। इन पंक्तियों में श्रृंगार के कोमल भावों का चित्रण कोमलतम शब्दावली में किया गया है। लतांतराल, किसले, पराग शब्द ही भावनाओं के प्रतीक से जान पड़ते हैं। नयनों की भाषा में संभाषण, उन्मद पलकों का उठना गिरना, किसले का कंपन, पराग का झरना और पक्षियों का कलरव गान, सभी कुछ श्रृंगार की योजना में सहायक उपकरण है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, वह यह कि निराला इस श्रृंगार वर्णन में कितने संयम से काम ले रहे हैं। शक्ति पूजा में रौद्र रूप का वर्णन भी बड़ा सफल बन पड़ा है। सिद्धि प्राप्ति में शांत रस की योजना हुई है। रस की दृष्टि से और प्रकृति चित्रण की दृष्टि से शक्ति पूजा में एक अनुपम सौंदर्य आ गया है। सारी प्रकृति राम के दुख से दुखी है। यहाँ पर प्रकृति चित्रण मानव सापेक्ष रूप में ही है, जड़ रूप में नहीं। राम के मन की उद्विग्नता के समय समुद्र का रूप भी भयानक हो जाता है। निराला जैसा कुशल सौंदर्य शिल्पी भीषण प्रकृति का चित्र यों प्रस्तुत करता है, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार से लेकर असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार तक में राम की अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का समन्वय और तदाकारता है। शक्ति पूजा काव्य में प्रकृति कहीं तो राम की मनस्थिति के समान कोमल और भयावह और विकराल रूप धारण करती है, कहीं सीता स्मृति के साथ मिथिला का सुंदर उपवन साकार हो उठा है। राम की उदासी में प्रकृति का रंग और का और हो जाता है और हनुमान के आकाश गमन के समय सामुद्रिक वातावरण की भंगिमा अपने ढंग की निराली है। हो स्वसित पवन उनचास पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प से उड़ा अतुल, शतगुणा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता चढ़ता खाता पछाड़। तात्पर्य है कि शक्ति पूजा की प्रकृति कहीं उद्विग्न करती है, कहीं प्रतीक रूप में आकर अभिव्यक्ति में प्राण डालती है, तो कहीं चित्रों को व्यापकता और विराटता प्रदान करती है। निराला योग दर्शन से प्रभावित है। आलोच्य कविता इसका प्रमाण है। योग दर्शन में शरीर स्थित विविध कमल चक्रों का वर्णन आता है। निराला ने शक्ति पूजा में उन उपकरणों को काव्य में घोल दिया है। आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक का वर्णन बड़े मनोयोग से किया गया है, क्योंकि कवि ने उन्हें शक्ति की साधना में उपयोगी समझा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में, योग दर्शन में काव्य के लिए जो सुलभ उपकरण मिले उन्हें कवि ने मूर्त रूप दिया है। काव्य में एक उदात्त जीवन दर्शन अंकित है। किसी भी कविता के महत्व के लिए यह भी आवश्यक शर्त है। राम अपने अंतर्द्वंद के सहारे जातिगत भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बच्चन सिंह के शब्दों में, राम उन व्यक्तियों के प्रतीक हैं जो बहिरंतर के संघर्षों से जूझते हुए अंत में विजयी होते हैं। यह संघर्ष उनका है, युग का है और निराला का है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता मनोवैज्ञानिक चित्रण
और प्रतिक्रियावादी शक्तियों से भयभीत मानवता को आशावाद का संदेश देना है। मानसिक अंतर्द्वंद का जैसा चित्रण इस कविता में है वैसा हिंदी में बहुत कम मिलता है। इस अंतर्द्वंद के लिए निराला ने वातावरण की काव्यात्मक सृष्टि भी की है। तुलसीदास की तरह इसमें कवि की दृष्टि कथा के आकर्षण, नाटकीय वार्तालाप और प्रत्यक्ष भावोत्तेजन तक ही नहीं फैली है, वरन वह तो राम के मानसिक अंतर्द्वंद में उलझ गई है। भाषा स्वाभाविक गति से जहां और जिस ओर गई है वहां बड़ी चित्रोपम और भावानुकूल बन पड़ी है। शक्ति पूजा की भाषा में एक प्रवाह है, जैसे जैसे प्रसंग परिवर्तित होता चलता है वैसे वैसे भाषा भी। युद्ध वर्णन प्रकृति के कोमल और भयावह रूप का वर्णन, राम के हताश मन का वर्णन, पुष्प वाटिका में सीता राम के प्रथम मिलन का श्रृंगारिक वर्णन, हनुमान का आकाश निगलने का वर्णन आदि कुछ ऐसे वर्णन हैं जहां भाषा अपना स्वरूप बदलती अनेक रंग रूपों में हमारे सामने आती है। रवि के अस्त हो जाने पर ज्योति पत्र पर अंकित राम रावण के और निर्णीत युद्ध का चित्रण समास गुंफित संस्कृत गर्भित भाषा और शैली में किया गया है। इन पंक्तियों में भाषा और शैली वीर रस का एक सजीव मार्मिक तथा पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देती है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषमहूह, विच्छुरित वाहनी राजीव नयन हत लक्ष्यवान, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारन गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर। इस युद्ध के दृश्य को बहुत संक्षिप्त तथा उदात्त शैली में चित्रित किया गया है। इसमें योद्धाओं के शीघ्रतापूर्वक शस्त्र धारण, प्रखर वेग, नील नवगर्जित स्वर, रावण राम के आक्रमण प्रत्याक्रमण को बड़ी सजीवता से अंकित किया गया है। इस वर्णन की सजीवता दो उपकरणों पर आधारित है, एक तो नाद योजना, दूसरे द्वित वर्ण प्रयोग पर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह शब्दों को पढ़कर बड़ी त्वरा से व्यूह परिवर्तन का दृश्य साकार हो उठता है, तो राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषमहूह पंक्ति से युद्ध का कोलाहलपूर्ण वातावरण सामने आ जाता है। और भी अनेक पंक्तियां इस वर्णन में ऐसी हैं जहां पर शब्दों की सामासिकता चित्रण शक्ति के बल पर युद्धीय वातावरण को साकार कर दिया है। यह शब्दावली देखने में बड़ी क्लिष्ट लगती है, पर युद्धीय वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए इससे सुंदर शब्दावली दूसरी हो ही नहीं सकती थी। इसके पश्चात दूसरे दृश्य में जब दोनों दल अपने अपने शिविर की ओर लौटते हैं तो वातावरण बड़ा अवसादमय खिन्न दिखाई देता है। चारों ओर उदासी छाई हुई है, राम का मुख भी शांत और उदास है। इस चित्र के चित्रण में भाषा का ओज और पौरुषमय रूप तिरोहित होकर करुण और शांत रूप में सामने आता है। लगता है झंझा की भयंकरता विलीन हो गई है और चतुर्दिक निस्तब्धता छाई हुई है। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर शकल। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि सारी शक्ति सिमट कर नीरवता में पूंजीभूत हो गई है। अस्थविर दल ज्यों विभिन्न कहकर तो निराला ने मानो भाषा की अस्थविर शब्दावली की सूचना दी है। इसके आगे की पंक्तियों में यह बात और भी स्पष्ट देखी जा सकती है। राम युद्ध से लौटे हैं, उनका परिस्थिति सापेक्ष चित्र बड़ा मनमोहक बन गया है, जो एक ओर विराट कल्पना को सूचित करता है तो दूसरी ओर भाषा की उदात्तता को, जो राम की उदात्तता से मिलकर एक रूप हो गई है। स्लथ धन गुण है कटिबंध श्रस्त तूणीर धरन, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नए शांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। वसुतः
इन पंक्तियों में बिंब बड़ा सशक्त बन पड़ा है। युद्ध से लौटे राम के शिथिल शरीर तथा कंधों पर बिखरी लटों से ऐसा प्रतीत होना मानो किसी दुर्गम पर्वत पर नैषांधकार उतर आया हो, सचमुच ही एक सौंदर्यपूर्ण विवृत बिंब है। इसके उपकरण प्रकृति के आंचल से जुटाए गए हैं। इन पंक्तियों की शब्दावली ही भाव की सूचना देती है। लगता है शब्द और अर्थ अहमिका पूर्वक आगे आकर अपनी अपनी बात कहने के लिए व्याकुल है। शब्द और भाव का यहाँ सुंदर सम्मिलन है, साधारण सम्मिलन नहीं, ऐसा सम्मिलन जिसके लिए आचार्य कुंतक की वाणी से शब्दार्थों सहितम काव्यम जैसे बोल फूट पड़े थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी गदगद भाव से इसके विषय में लिखा है, चित्र के पूर्णतः इंद्रिय बनाने के लिए अर्थ गर्भित शब्दों का चुनाव, लय का लाघव विस्तार, यथोचित अप्रस्तुत योजना और लघु दीर्घ शब्दों का प्रयोग किया गया है। श्लथ, स्रस्त और विपर्यस्त शब्दों को लें, ये अपनी ध्वनि से ही अपेक्षित अर्थ देते हैं। दृढ़ जटा मुकुट का बिखर कर पृष्ठ बाहु और वक्ष पर फैलना एक विशेष मानसिक दशा का द्योतक है। नैश अंधकार के अ जोर अ का दीर्घ स्वर अंधकार की प्रसरणशीलता को अपूर्व ढंग से चित्रित कर देता है। चमकती दूर ताराएं ज्यों कहीं पार दूर द्वारा आशा का अति क्षीण स्वर भी सुना जा सकता है। वस्तुतः इस बिंब ने अवसाद में मनोदशा को बड़े प्रभावोत्पादक ढंग से काव्य में सजाया है। जो लोग शक्ति पूजा की भाषा को कृत्रिम मानते हैं तथा इसे और तुलसीदास को आलंकारिक काव्य मानते हैं, उन्हें चाहिए कि वे शक्ति पूजा को फिर से पढ़ें। निराला परवर्ती काव्य के लेखक श्री रमेश मेहरा लिखते हैं, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास दो प्रयास साध्य रचनाएं प्रतीत होती हैं। उनमें वह नैसर्गिकता नहीं है जो उनकी 34 तक की रचनाओं में भरपूर दिखाई देती है। भाषा की दृष्टि से, कल्पनाओं की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से एक प्रच्छन्न कृत्रिमता का आभास मिलने लगता है। मेरी अपनी धारणा है कि भाषा का बाह्य रूप देखने में दुरूह दीर्घ समाशांत पदावली जैसा लगता है, पर वातावरण के अनुसार जैसी भाषा होनी चाहिए वह शक्ति पूजा में अद्यंत विद्यमान है। सच्चाई तो यह है कि युद्ध परक वातावरण में भाषा का भीषण रूप, अवसाद की स्थिति में करुण रूप, सीता स्मृति में कोमल रूप और कथा प्रवाह में सामान्य भाषा का रूप देखने को मिलता है। अमानिशा की भयंकरता की पृष्ठभूमि में कवि ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। केवल जलती मशाल से अमानिशा की भयंकरता दूनी हो गई है। भाषा और शैली पर ऐसा अचूक अधिकार निराला के अतिरिक्त पंत और प्रसाद में मिलता है। भाषा तो निराला के संकेतों पर नाचती है। वे अपनी भाव योजना के लिए शब्दों की खोज नहीं करते, वरन शब्द स्वयं आकर भाव से विपट जाते हैं। जैसा भाव है वैसे ही रंग रूप में शब्द आकर खड़े हो जाते हैं। सीता स्मृति के भाव में कवि के मुख से जो शब्दावली निःसृत हुई है वह मिथिला के उपवन को तो साकार कर ही देती है, साथ ही कोमल बाना पहने भी दिखलाई देती है।